आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वॉच द क्वेश्चन केयरफुली। द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट 93, इट शुड बी 232, changes to 86G222. A slight mistake is there. Anyway, so our question is plus 90 E232 has to be changed to plus 86G222. 90 थोरियम है और 86 ये रेडियम है। इन दोनों को हम देखते हैं, यहां से यहां तक मास में जो डीके हो रहा है, सबसे पहले मास में चेंज देखिए। मास में चेंज है 232 माइनस 220। व्हाट दिस चेंज इन मास? 12। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज? 12 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3। तीन अल्फा पार्टिकल्स इसमें से डीके होने चाहिए, तब ये मास यहां पहुंचेगा। नाउ अगर तीन अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं मास में 12 का डीके होगा और मास हो जाएगा 220। लेकिन क्या ये जी बनेगा? 90 माइनस 6 ये होगा 84 प्लस 84 जी डॉट 220। ये 86 पर नहीं है, इसको 86 पर लाना है हमें। कैसे लाएंगे? हमें दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है जिससे ये बढ़कर 86 हो जाए। What should we do? We should emit two negative charge without any change in mass. मास में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बीटा पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। It will turn into 86G220। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो बीटा पार्टिकल्स का रिलीज हुआ है और तीन अल्फा पार्टिकल्स का रिलीज हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन इज ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।